हेलो एवरीवन, माइसेल्फ डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हैं और इनफर्टिलिटी में हमको कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेल इनफर्टिलिटी के जो कारण बताए गए हैं उसमें सबसे फर्स्ट आता है डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। इट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस रहता है स्पर्म फॉर्मेशन का, स्पर्म बनने का, अगर उसमें कुछ भी कमी है तो उसको डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और वो कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का। सेकेंड, अगर हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन इन एफरेंट डक्ट। इट मीन्स टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद वो इजेकुलेटरी डक्ट तक जाता है। कैसे पहुंचता है? बीच में वासा डिफेंस रहता है तो जो उसको कैरी करता है और इजेकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाता है। तो अगर वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, वासा डिफेंस में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस वजह से क्या होगा, जो स्पर्म वहाँ से आगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो भी एक कारण रहता है मेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट कारण की अगर हम बात करें तो फेलियर टू डिपॉजिट स्पर्म हाई इन द वेजाइना, कि जो स्पर्म है वो वेजाइना में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो कारण है वो है एरर इन द सेमिनल फ्लूइड, कि जो सेमिनल फ्लूइड है उसमें कुछ कमी का होना। तो अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट की बात करते हैं डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसे कि फीमेल में ओवम बनने का जो प्रोसेस रहता है, एग बनने का जो प्रोसेस रहता है, उसको ओजेनेसिस बोलते हैं। इसी तरह से मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस रहता है कि जो स्पर्म बनने का फॉर्मेशन है। तो फीमेल में जिस तरह से हार्मोन्स की ज़रूरत रहती है, इसी तरह से यहाँ पर भी हार्मोन्स की ज़रूरत रहती है। जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH का सिक्रीशन करता है, गोनेड्रोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वहाँ से फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करता है सर्टोली सेल पे एंड LH हार्मोन जो है वो वर्क करता है लीडिंग सेल पे, जो कि फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाते हैं और इस तरह से फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो अगर इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसको गोनेड्रोट्रॉपिक डिफिशियंसी बोलते हैं, तो इन हार्मोन्स की कमी होने की वजह से भी क्या होगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो नहीं हो पाएगी। तो ये जो कारण है ये प्री टेस्टिकुलर कॉजेज में आता है। तो मेनली हम जो कॉजेज हैं मेल इनफर्टिलिटी को, उनको तीन में डिवाइड करते हैं, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज। तो ये जो गोनेड्रोट्रॉपिक डिफिशियंसी है, इट मीन्स जो हार्मोन की कम होने की वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पा रहा है, ये आता है किसमें, प्री टेस्टिकुलर कॉजेज में। इसी में अगर हम सेकेंड कॉज की बात करें तो वो है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। इट मीन्स प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ा होना। जिस तरह से फीमेल में अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा रहता है तो वो क्या करता है, ओवुलेशन में इंटरफेयर करता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा रहेगा तो ये जो गोनेड्रोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाएंगे और फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अगर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है तो वो भी एक कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट कारण की बात करें तो थायराइड डिसफंक्शन। फीमेल में भी जिस तरह से थायराइड हार्मोन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है, TSH बढ़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में अगेन ओवुलेशन में इंटरफेयर होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो पाएंगे। तो अगर थायराइड डिसफंक्शन भी है तो वो भी क्या रहेगा, प्री टेस्टिकुलर कॉज रहेगा मेल इनफर्टिलिटी का। तो ये सारे जितने भी अभी तक मैंने कारण बताए मेल इनफर्टिलिटी के, कि गोनेड्रोट्रॉपिक डिफिशियंसी, इट मीन्स हार्मोन्स का कम होना, या फिर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया होना, थायराइड डिसफंक्शन होगा, तो ये सारे कॉजेज आएंगे प्री टेस्टिकुलर कॉजेज में मेल इनफर्टिलिटी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिकुलर कॉजेज की, जिसमें सबसे पहला आता है प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर। इट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस है वो नहीं हो पाएगा इसमें। सेकेंड अगर हम बात करें तो वेरिकोसिल्स। वेरिकोसिल का क्या मतलब रहता है, कि डायलेटेड वेन्स का प्रेजेंट होना। डायलेटेड वेन होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उस वजह से वो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, इट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा।
जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर रहते हैं, स्क्रॉटम में रहती है। किस वजह से रहते हैं? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम रहता है, तभी वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है, इट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। तो अगर वेरिकोसील की कंडीशन है तो क्या रहेगा, डायलेटेड वेन होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और उस वजह से वो स्पर्मेटोजेनेसिस में इंटरफेयर कर सकता है। तो वेरिकोसील भी एक कारण रहता है मेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेडिएशन का एक्सपोजर होना, तभी हमको जो पेशेंट की ऑक्यूपेशन हिस्ट्री है वो भी जानना ज़रूरी रहता है कि पेशेंट कहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर है या फिर केमिकल्स का एक्सपोजर है तो वो भी एक कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट आता है अगर पेशेंट ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो वो भी एक कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का, क्योंकि स्मोकिंग क्या करेगा, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होने देगा, स्पर्म का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। तो स्मोकिंग भी एक कारण है मेल इनफर्टिलिटी का। तो ये सारे जितने भी हमने कारण देखे ये टेस्टिकुलर कॉजेज में आता है। अब हम बात करेंगे पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज की। पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज इट मीन्स कि टेस्टिस में स्पर्म बन गए हैं लेकिन आगे जो वो वासा डिफेंस होते हुए इजेक्युलेटरी डक्ट तक जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस बोलते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वासा डिफेंस। अगर वासा डिफेंस ही नहीं होगा तो वहाँ से जो स्पर्म फॉर्म हुए हैं वो इजेक्युलेटरी डक्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो एक ये कारण रहता है। सेकेंड कारण आता है कि ये जो पाथवे है इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन का हो जाना, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, इट मीन्स इसमें कोई रुकावट आ जाना। तो वो ऑब्स्ट्रक्ट बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, कोई अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन में जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, अगर पेशेंट को पहले ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रही है तो उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा या फिर कोई सर्जरी वगैरह अगर पेशेंट की पहले हुई है तो उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये सारे आते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस में। नेक्स्ट आता है इजेकुलेटरी फेलियर, इट मीन्स इसमें हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन पेशेंट को हो सकता है, इट मीन्स जो पेनिस है वो इरेक्ट ना हो पाना, ये भी एक कारण है मेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट आता है रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, तो जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है रेट्रोग्रेड इट मीन्स पीछे की तरफ, इट मीन्स जो सीमेन है वो बाहर ना निकल के पीछे की तरफ ब्लैडर में चले जाना, तो वो भी एक कारण होता है मेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं वो भी कारण रहता है मेल इनफर्टिलिटी का। जेनेटिक डिफेक्ट में जैसे कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या रहता है 47XXY क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, इट मीन्स एक एक्स्ट्रा एक्स प्रेजेंट रहता है, तो अगर ये कंडीशन रहती है तो इसमें भी क्या रहता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो नहीं होती है, इट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये भी एक कारण है मेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर इन द सेमिनल फ्लूइड, इट मीन्स अगर सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज अगर बहुत ही कम प्रेजेंट है तो वो भी एक कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का, और अगर उसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो भी एक कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमने देखा कि मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, इसके लिए हमको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, कैसे हमको पता चलेगा कि प्री टेस्टिकुलर कॉज है, टेस्टिकुलर कॉज है या फिर पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।